जय हिंद, पिछले एक हफ्ते से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जाके हिट कर गई, और लोग का कहना है वो जानबूझ की या नहीं की, ये मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि हिट किया क्यों, इसको समझते हैं लोग। देखिए, पाकिस्तान में हमारे यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल जो थी फायर की गई और वो पाकिस्तान में जाके गिर गई थी, और ये गिरी थी जब वहां पर तो वो एक नॉर्मल से जगह पे गिरी थी जिसका नाम था मियां चानू। 9 मार्च को ये जाकर यहाँ पर हिट हो गई थी ब्रह्मोस मिसाइल। वहां दो चार को घर और था, किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन था, उड़ गया घर द्वार। यहाँ पर वहां के लोग डर गए कि आखिर ये हुआ क्या है। तो उसके बाद वहां पर जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं ISPR, कहीं पे भी देखिएगा तो एक PR ऑफिसर होता है, PR पब्लिक रिलेशन, यही लोग सारे लोग पब्लिक से कांटेक्ट करते हैं। जैसे मीडिया वाले के पास भी एक पूरी की पूरी PR टीम होती है। अब किसी मीडिया वाले को मान के हमारा इंटरव्यू लेना है, खान सर का इंटरव्यू, तो उन लोगों को क्या पता, वो अपने PR टीम को बोलेंगे कि खान सर का नंबर निकालो, बताओ कहाँ बात करना है। तो वो PR टीम ही काम करती है। तो हर डिपार्टमेंट का एक PR ऑफिसर होता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, वही बताता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक तरह का प्रवक्ता होता है। तो इन्होंने कहा कि हमारी टेरिटरी में एक पता नहीं अनआइडेंटिफाई कोई ऑब्जेक्ट घुस गया, 4 मिनट तक उड़ते रहा, प्रोजेक्टाइल था, वो आया गिर गया, किसी की जान माल की क्षति नहीं हुई, हमने उसे पूरी रडार में ट्रैक किया, आके वो यहाँ पे गिर गया। ये इन लोग का स्टेटमेंट था। एक्चुअल में हुआ क्या था कि भारत से मिसाइल लॉन्च किया गया था, लेकिन ये दोनों देशों में विवाद न हो जाए इसलिए भारत सरकार के पहले से एक समझौता है 1999 का, 21 फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच एक लाहौर एग्रीमेंट साइन हुआ था, लाहौर डिक्लेरेशन। इसमें कहा गया था कि अगर दोनों सेनाओं की ओर से अगर कभी भी गलती से कोई मिसाइल या हमला हो जाता है तो वो लोग हॉटलाइन पे बात करके इसका कंफर्मेशन कर देंगे कि जानबूझ के किया गया या गलती से हुआ है, इसकी अवगत करा दिया जाएगा। तो उसके लिए भारत की ओर से हॉटलाइन पे बात करके बता दिया गया पाकिस्तान को 2 दिन बाद कि भैया हमारी ओर से गलती से चला है। अब ये हॉटलाइन क्या होता है, ये हॉटलाइन फोन में कभी रिंग नहीं बजते। आप जैसे मोबाइल में डायल करते हैं किसी को, तो सबसे पहले बोलेगा नमस्कार, भारत ने 150 करोड़ कोविड टीकाकरण पार कर लिया, 175 करोड़, उसमें ये सब कोई रिंगटोन नहीं होता है, वो फिक्स होता है करना कहाँ है। हॉटलाइन होते हैं उसमें 4-5 नंबर ही, मतलब लिमिटेड नंबर होते हैं, वहीं फोन करना, एक बार फोन करेंगे तो फटाक से वहां लग जाएगा। तो हमेशा इमरजेंसी में होता है। अगर हम कहीं किसी पे फोन पे बात कर रहे हैं और कोई नॉर्मल आदमी हमको कॉल करेगा तो उसको वेटिंग बता देगा, लेकिन अगर हॉटलाइन से कॉल करेगा तो जिससे हम बात कर रहे हो तो उसका फोन कट जाएगा और डायरेक्ट आ जाएगा मेरे पास आदेश। तो ये हॉटलाइन दो देशों के बीच में होता है। मुख्यमंत्री जब कॉल करते हैं तो हॉटलाइन से कर सकते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह, तो हॉटलाइन से भारत सरकार ने उन्हें बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। शुरुआत में ये मामला दब गया था, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को लगा कि उनकी तो मेरी बेइज्जती हो गई, किसी ने आया पूरा बजा के चला गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये भाई साहब ये कर रहे हैं कि इसकी जांच कराएंगे हम, कैसे मिसाइल आया और ऐसे हमारे देश के अंदर घुस गया 124 किलोमीटर। अब ये मामला लेके जाएंगे यूएनओ में, सिक्योरिटी काउंसिल में उठाएंगे, रूस से कहेंगे, चाइना से कहेंगे, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के देशों से कहेंगे। इन लोग का कहना है कि यूएनओ तक में ये मामला उठेगा कि आखिर ये मिसाइल आया क्यों। ये गधा पाकिस्तान उसी चाल में फंस गया जिसमें हम इसे फंसाना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि पाकिस्तान इस पर बवाल करे और ये मामला इंटरनेशनल हो, लेकिन इन गधों के यहाँ पता नहीं कोई इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाता भी है कि नहीं, इन गधों को कुछ नहीं पता, ये हल्ला कर दिए हैं। एक्चुअल में ये मिस फायर नहीं था, ये डायरेक्ट फायर किया गया था जानबूझ के। हम आपको कुछ प्रूफ देते हैं, आप समझिए क्यों डायरेक्ट फायर किया गया था। यह मिसाइल जब उड़ती है हरियाणा से, तो यहाँ से लगभग हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से 2 मिनट तक इंडिया में रहती है, फिर ये कर्व करके पाकिस्तान में जाती है, 4 मिनट तक ये पाकिस्तान में फ्लाई करती है। अब ये बताइए, जो मिसाइल ऑपरेटर इसे 4 मिनट तक फ्लाई कर रहा है, तो भारत में जो मिसाइल ऑपरेटर उसे भी पता है कि वो इंडिया का बॉर्डर छोड़ दिया और पाकिस्तान में जा चुका है। तो पहला बात कि जब वो 4 मिनट तक दुश्मन की टेरिटरी में घुसा कैसे, ये इंडिया वाले को तो पहले से पता था। एक और गलती क्या थी, सेल्फ डिस्ट्रॉइंग सिस्टम होता है, जब कभी भी मिसाइल अपने रास्ते से भटकता है तो उसे मिसाइल के अंदर ऑटोमेटिक डेटोनेटर लगा होता है जो मिसाइल को रास्ते में ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो किसी भी मिसाइल को मारने से पहले उस मिसाइल का एक ऑपरेटर रूम होता है, उस ऑपरेटर रूम से उस मिसाइल को फायर किया जाता है। फायर करने के बाद वो ऑपरेटर इस मिसाइल को रडार पर देखता है, अगर रास्ता भटकता है तो सेल्फ फायर कर देता है। इस मिसाइल को सेल्फ फायर नहीं किया गया, बल्कि ऑपरेटर चुपचाप देख रहा था, मजा मार रहा था कि घुस गया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चला गया है 124 किलोमीटर तक। तो एक ये दूसरा प्रूफ, और भी कई सारे प्रूफ है। तो समझिए कैसे, ये नक्शा पाकिस्तान ने जारी किया, पाकिस्तान इसमें जो तीर का निशान है ये दिखा रहा है मिसाइल किस तरह आया और कैसे ये यहां से जाकर यहां मियां चन्नू पे जाके गिर गया। यहां पर देखिए कैसे मिसाइल ने सबसे पहले अपने से अगर मिस फायर होगा तो सीधे जाएगा,
ये टर्न नहीं मार सकता है अपने से, माल फंक्शन की वजह से, गड़बड़ी की वजह से 90 डिग्री का कर्व नहीं मार सकता जब तक उसको पाथ फाइंड नहीं किया गया होगा, पहले से नहीं बताया गया। तो पहला 90 डिग्री टर्न अपने से नहीं मारा गया होगा। दूसरा, इस मिसाइल में कोऑर्डिनेशन फिक्स था, किसी भी मिसाइल को मारने से पहले उसका जीपीएस लोकेशन कोऑर्डिनेशन फिक्स किया जाता है कि यहीं पर जाना है, लेकिन इसमें कोई बारूद नहीं था। देखिए अमूमन यही होता है कि पहले उसमें बारूद यानी वारहेड भरा जाता है, पहले उसमें वारहेड भरा जाता है, तो इसमें वारहेड था नहीं। जब वारहेड भर दिया जाता है तब उस मिसाइल में फीड किया जाता है कि इस मिसाइल को जाना कहाँ है, तो इस मिसाइल में जाना कहाँ है ये फीड कर दिया गया था और वारहेड नहीं फीड किया गया था। और जाना भी कहाँ है, मियां चन्नू पे, यहाँ ना कोई स्ट्रेटजिक लोकेशन है, ना कोई सेना का स्कूल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जानबूझ के भारत ने मिसाइल का वारहेड हटाया कि किसी की जान माल की हानि ना हो, और ऐसे जगह को चुन लिया जहाँ कोई स्ट्रेटजिक महत्व नहीं है कि बवाल ना होगा, बस हमें मिसाइल घुसा के बवाल करना था, भयंकर बवाल नहीं कराना था। एक और देखिएगा, इस मिसाइल को अगर देखेंगे तो 104 किलोमीटर से ज्यादा ये भारत में रही है, 124 किलोमीटर गई है, उसके बाद भी ये एक्स्ट्रा गई है, यानी इस मिसाइल की रेंज जो थी वो 290 किलोमीटर ही है। इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर, लेकिन ससुराई ब्रह्मोस मिसाइल 320 किलोमीटर कैसे चल गया, लगभग ये 30 से 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है। देखिए ये पाकिस्तान का ही नक्शा ही दिखा रहा है कि 33 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया बवाल है भैया, रेंज से 33 कैसे। तो कोई भी चीज को फेंकते हैं तो जब रेंज खत्म हो जाता है तो आराम से गिरता है, तो ब्रह्मोस और आगे गया था यहाँ पर। इस दौरान भी इसे सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, यानी भारत से बैठ के ऑपरेशन टुकुर टुकुर देख रहा था, जानबूझ के किया गया है इसको। अगला देखिए।